और सब लोग एक साथ होते हैं ये अच्छा लगता है। शाम तो ढल रही थी लेकिन मुल्क की गंगा जमनी तहजीब उफान भर रही थी। भीगी भीगी सी बारिश रिश्तों में नफरतों का मैल धोने की कोशिश कर रही थी। धर्म जाति वर्ग समुदाय के बंधन टूट रहे थे। खिले खिले से चेहरे मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहे थे। नफरती हवा के झोंकों को दरकिनार कर सदाएं दी जा रही थीं, हम एक हैं और एक रहेंगे। समंदर के बीच हाजी अली का ये उदयार है जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की शनाख्त को पीछे छोड़ उफान भरती अकीदत की लहरें वजूद में अपने पन का एहसास भरती चली जा रही थीं। आइए आपको एक यादगार शाम का ये शानदार नज़ारा दिखाने के लिए मुंबई लिए चलते हैं। इस वक्त हम मुंबई की हाजी अली दरगाह पे मौजूद है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो दरगाह है ये काफ़ी पुरानी दरगाह है, तकरीबन 150 साल से ज़्यादा हो चुका है। और ये दरगाह की एक ये खासियत है कि दरगाह जो है समुंदर के बीच में बनी है। इसके आजू बाजू जो है पूरी समुंदर की लहरें उठती हुई नज़र आएगी आपको। और जब यहाँ पर हाई टाइड लगता है तो ये समुंदर की लहरें जो है ये जो रोड है उसे बंद कर दिया जाता है। और पूरे हिंदुस्तान से जो सैलानी है यहाँ पर आते हैं इस दरगाह पर ज़ियारत करने के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग जो आते हैं यहाँ पर इस दरगाह पे ज़ियारत करने के लिए। और लोग यहाँ पर अपनी दुआएं मांगते हैं, मदतें मांगते हैं। लेकिन आप मुंबई जब आए होंगे, जब ये दरगाह पे आए होंगे तो उस टाइम पे जो मुंबई का पुराना नज़ारा हुआ करता था वो काफ़ी पुराना हुआ करता था। मुंबई के अंदर अब हाजी अली दरगाह के आसपास देख सकते हैं समुंदर के ऊपर जो है यहाँ पर एक ब्रिज बन गया। और जो पुराना रोड हुआ करता था, जो एक रोड हुआ करता था, इस रोड के ऊपर जो है पानी भर जाया करता था। लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है उसे दो 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 पार्ट में बांध दिया गया है। और उसके ऊपर से कहीं ना कहीं जो फ्लाईओवर है वो बन गया है, गाड़ी का आना जाना जो है इसको कोस्टल रोड कहा जाता है। ये कोस्टल रोड जो है समुंदर के ऊपर से बना हुआ है। ये चौपाटी से शुरू होकर इसका जो है आखिरी छेड़ा भी बांद्रा तक है। और यहाँ पर अगर बात कर ले तो अक्षय कुमार ने दरगाह ट्रस्ट को कहीं ना कहीं 21 करोड़ रुपया जो है दान के तौर पे दिया है इनकी मरम्मत के लिए। और जो खिदमत अंजाम करते हैं दरगाह वाले लोग उनके लिए 21 करोड़ रुपया अक्षय कुमार ने दिया हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सैलानी हैं जो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और आप देख सकते हो शाम का नज़ारा है, हल्की हल्की बारिश है। और लोग जो है, हालांकि उमूमन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन सुबह से जो है बारिश लगी हुई है। और समुंदर की लहरें आपको कहीं ना कहीं सुनाई देगी शाम के वक्त। समुंदर की जो लहरें हैं शाम के वक्त जब उठती है, और यहाँ पर उमूमन जो है रात में जो है वो कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाता है। चाचा चाचा आप कहाँ से आए, कहाँ से आप आए? कुर्ला से आए। पहली मरत आए हाजी अली के घूमने आए थे? घूमने आए थे हाजरी देने। देखिए हाजरी देने आए थे यहाँ पर बुलाते हैं। और यहाँ पर जो है अभी हाजरी है और यहाँ से वो जो है जा रहे हैं। तो मूल जो है पूरे हिंदुस्तान से जो लोग है यहाँ पर आते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ ये पिक्चर जो है, यहाँ पर एक बाबा दो भिखारी हुआ करते थे। पिक्चरों के अंदर आपने ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पर भिखारियों की जो एक लाइन हुआ करती थी यहाँ से लेके वो आगे तक का बैठा करते थे। बहुत सारी पिक्चरों के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है बाबा लोग जो बैठे और भिखारी लोग जो थे प्लानने वाले वो उमूमा बैठे। आप लोग कहाँ से आए पापा? पापा आप लोग कहाँ से आए, कहाँ से आप लोग आए? मैं बदलापुर से आए। दरगाह के दरगाह पर कैसा लगा, पहली बार तो आप आए हैं? अच्छा आते रहते हैं। आप कहाँ से आए भाजन? एमपी भिंड से। भिंड से आए आप? पहली मरतबा दरगाह पे आते? क्या नाम है आपका? आजाद खान। आजाद खान जी, कैसा लगा आपको समुंदर के बीच में दरगाह है? बहुत अच्छा। मतलब कैसा लगता है आपको कि आप सोचते कभी कि ये दरगाह जो है समुंदर के बीच कैसे बनी है? कभी ऐसा ख्याल आता है आप लोगों को? ये लगता बहुत अच्छा है। देखिए इनको लगता बहुत अच्छा है। एमपी भिंड से आए हैं। बेटा कहाँ से आया? अहमदाबाद। अहमदाबाद से आए? दरगाह पे ज़ियारत के लिए आए थे? पहली मरतबा आए थे किसके पहले भी आए? फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम। अच्छा पहले भी आ चुके हैं। चलिए ठीक है। ये देखिए बच्ची आई है अहमदाबाद से और इसके पहले भी यहाँ पर मतलब ज़ियारत के लिए पूरे हिंदुस्तान से जो लोग हैं यहाँ पर ज़रूर आते हैं। आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ से आए? मुरादाबाद। कैसा लग रहा है दरगाह? पहली मरतबा आए? पहली मरतबा। कैसा लग रहा है हाजी अली की दरगाह? बहुत तारीफ सुनी है। मुरादाबाद से आए? चलिए ठीक है। ये मुरादाबाद से आए, आप कहाँ से आए थे? अहमदाबाद से। गुजरात से। कैसा लग रहा है हाजी अली? पहली मरतबा इसके पहले भी आए? पहले भी आ चुके हैं लेकिन ऐसा माहौल की बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश हो रही है, देखिए ये हमारे मास्टर की ताई भी आई है। नासिकला, नासिकला, नासिकला दरगाला तुम्हें आला है
कशा लगता है तुम्ही दर्गाला काय आहे काय नाही तुम्ही आता छान लागतं छान लागतं मतलब पहिली मर्दा दर्गा आहे किसके पहिली बार आहे आप लोग अच्छा लगा आप लोगों को दर्गा देख के देखिए ये दर्गा की खासियत है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम जो लोग हैं इस दरगाह की जियारत के लिए आते हैं ये तमाम जो महिलाएं हैं वो नासिक से आए हैं मैं आपसे कुछ पूछूंगा आप आगे आइए आप नासिक से आए हैं कैसा लगा आप पहली मतलब आए हैं क्या देखा और क्या बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और सब लोग एक साथ होते ये अच्छा लगा और क्या लगता है ये दरगाह को आपने अंदर से देखा पहली मरतबा है कितनी शांति मिलती है क्या लगता है शांति तो बहुत शांति अच्छा देखिए महिला जो है वो नासिक से आई है और ये कहीं ना कहीं पहली मर्तबा दरगाह की ज़ियारत के लिए आई थी और ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की खासियत भी है गंगा जमुना तहजीब भी है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम जो लोग हैं इस दरगाह में ज़रूर आते हैं और कहीं ना कहीं ज़ियारत करते हैं ये तमाम जो लोग हैं ये पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आते हैं इस उमूमन जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है अगर सब सैटरडे संडे आप आएंगे तो यहाँ पर पैर रखने की जो है वो जगह नहीं मिलती लेकिन मेरे पीछे देख सकते हो समुंदर की जब लहरें उठती है तो जब हाई टाइड होता है मुंबई के अंदर तो ये पूरा जो दरगाह का जो रोड है उसे बंद कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर तमाम जो लोग हैं वो दरगाह की ज़ियारत करने आते हैं और ये कोशिश करी जाती है कि अमन और शांति का जो पैगाम है पूरे हिंदुस्तान में ज़रूर के लिए अमजद खान मुंबई।